अब मैं जैसे यहाँ से गुजरता हूँ ना, मुझे लगा मैं यहाँ पे गुजर जाऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक बार आ चुके हैं स्क्वाड जैसे स्क्वाड का गेम प्ले लेके। अब इस बार हम जा रहे थे हमेशा की तरह पोचिंग के में। यहाँ पे काफी सारे बंदे नहीं आए थे, यहाँ पे कोई भी नहीं आया था वैसे, तो हमें भी यहाँ से लूट लाट करके निकलना पड़ा है कि नहीं। अब तुम्हारा भी टाइम पास ना हो और मेरा भी टाइम पास ना हो, इसलिए मैंने वो सारा का सारा लूटिंग का पोर्शन कट कर दिया और सीधा तुमको फाइट की तरफ ले जा रहा हूँ। चलो भाई, तो भाई वहाँ का मामला निपटाने के बाद हम इस साइड आते हैं। अब इस साइड क्या होता है, यहाँ पे होती है फ्लेयर। अब ये फ्लेयर चलाई थी किसी बंदे ने, वैसे बंदे ने ही चलाई होगी ना, है कि नहीं। अब भाई मैंने इसको मार मार के इसकी टट्टी निकाली दी थी, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा फट चुकी थी और ये फटते फटते अंदर चला जाता है, तो मैं भी इसके पीछे चला जाता हूँ। अब ये बंदा हील कर रहा था, मुझे पता था। सॉरी फॉर दिस गाय। अब वहाँ का मामला निपटाने के बाद हम आते इस साइड। अब इस साइड हम क्यों आते, क्योंकि यहाँ पे एक डब्बा बोले तो ड्रॉप गिरा हुआ था, तो हमको उसको लूटना था। लेकिन मुझे एक बात पता थी कि यहाँ पे कोई ना कोई बंदा तो इस ड्रॉप को लूटने के लिए जरूर आएगा। और उसी का हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे, और तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है। पर जैसे तैसे करके हम इनको मार देते हैं। अब इनको मारने के बाद हमारा प्लान था यहाँ से निकलने का, लेकिन भाई तभी मैं देखता हूँ कि पीछे से एक सुअर पे बैठ के कोई बंदा जा रहा है। ये तीन पैरों वाला सुअर था वैसे। अब मेरे को लगा कि ये बंदा यहाँ से निकल चुका होगा, है कि नहीं। लेकिन भाई साहब, ये बंदा ना अपने बंदों को रिकॉल करने के लिए आया था, और इस बंदे ने हमारे नाक के नीचे उस बंदों को रिकॉल कर दिया, लेकिन हमें घंटा भी पता नहीं चला। अब यहाँ से हम जैसे निकल रहे थे ना, तभी मेरे को दिखा कि यार पीछे तो एक गाड़ी लगी हुई है, और ये तो वही गाड़ी है जो यहाँ से निकल चुकी थी, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बोले तो जांच करने के लिए आ गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ऊपर से बंदे फटाफट नीचे गिर रहे हैं, तो भाई पेलते इनको। चलो भाई, अब यहाँ पे सारे के सारे बंदे फिनिश हो चुके थे, तो मैंने सोचा भाई थोड़ा सा लूट लाट करते हैं। लेकिन भाई साहब, तभी यहाँ पे मुझे गाड़ी की साउंड आ जाती है, तो मुझे भी वहाँ पे निकलना पड़ता है। अब यहाँ पे बंदे करते हैं वेब शूटर का इस्तेमाल, लेकिन इनको पता नहीं था कि मेरे पास भी वेब शूटर है कि नहीं। अब ये बंदे मेरे हाथों से बेमौत मारे गए, लेकिन इनका लास्ट वाला बंदा जो था वो सांप बन के कहीं पे बैठा हुआ था, मतलब लेटा हुआ था, तो उसको हमारे टीममेट यहाँ पे फिनिश कर देते। तो भाई आखिरकार उसे भी हमने यहाँ पे मार दिया था, है कि नहीं। अब उसको मारने के बाद ना हम यहाँ से निकलने वाले थे, हमारे भाई साहब को ऊपर की साइड ना एक बग्घी दिखती है। अब बग्घी तो बिना बंदे के रहेगी नहीं, है कि नहीं, कोई ना कोई तो वहाँ पे होगा ही ना। अब बिना बंदों के तो बग्घी वहाँ पे आ नहीं सकती, है कि नहीं। तो हम वहाँ पे भांडन बोले तो रश करने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे दो सांप लेटे हुए थे, जिनका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तब देखो, अब यहाँ पे इन लोगों ने मुझे पेल तो दिया था, लेकिन मैंने इनके एक बंदे को नॉकआउट कर दिया था। इसका मतलब इनके कम से कम तीन बंदे तो बचे हुए हो सकते थे। अब यहाँ पे ना आगे की तरफ हमारे टीममेट को एक बंदा दिख जाता है। अब उसका कहना था कि वो बंदा ना पत्थर के पीछे, और वो पत्थर के पीछे होता भी है। अब देखो, I'll just wanna be the best, call me great now.
चलो भाई, अभिन भाई साहब के पास ग्रोजा थी लेकिन ये हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। वैसे मुझे पेल सकता था लेकिन किस्मत से मैं बच गया। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, अब वहाँ के भी बंदे खत्म हो चुके थे तो हम इस साइड आते हैं। अब मैं जैसे यहाँ से गुजरता हूँ ना, मुझे लगा मैं यहाँ पे गुजर जाऊंगा। लेकिन भगवान की दया से मैं बच गया, लेकिन अब ये बंदे नहीं बचेंगे। चलो भाई, गांजा के नशे ही है। पीछे से बंदा आ रहा है लेकिन ये बंदा अपने ही नशे में धुत है। इसको तो जला के मारूंगा। अरे जलने देना था ना, क्यों मारा? जरा सी खुशी भी तुमसे सही नहीं होती यार, क्या बंदे हो तुम। खैर मजाक कर रहा हूँ। अब भाई आगे की तरफ ना ये स्क्वाड हाउस जो है ना, इसके अंदर बंदे थे। अब ये बंदे क्या कर रहे थे? स्क्वाड हाउस में कैंपिंग कर रहे थे। कैंपिंग बोले तो कैंपिंग। तो मैंने सोचा भाई इनको मारे तो मारे कैसे है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे लगाया चूतिया सा दिमाग। ये जो खिड़की है ना छोटी सी, इसके आगे एक दरवाजा है, तुमको तो पता ही होगा है कि नहीं। अब मैं इस खिड़की से अगर ग्रेनेड फेंकता हूँ ना, तो वो ग्रेनेड क्या करेगा, अंदर से उस बीच वाली खोली में चला जाएगा, मतलब जो ऊपर वाला जो कमरा है ना उसके अंदर जो मेन कमरा है, और वहीं पे उनका चल रहा होगा रिवाइव ऑब्वियसली, क्योंकि वहीं पे एक सेफ जगह है। अगर वो सीढ़ी के पीछे भी बैठे हुए होंगे ना तो उनको डैमेज तो पक्का पड़ेगा, और यही होता भी है। अब इनका यहाँ पे खेल खत्म होने ही वाला था क्योंकि इनका एक लास्ट बंदा बचा हुआ था। तो चलो भाई, लो भगवान का नाम और घुस जाओ। तो भाई इतनी जिल्लतें उठाने के बाद आखिरकार हमारा यहाँ पे चिकन डिनर हो ही गया है कि नहीं। तो भाई आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना तुम बिल्कुल ना भूलना है कि नहीं। तो भाई बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू।